हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ट्विटर की कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपने ऐलान के मुताबिक वेरीफाइड अकाउंट से फ्री ब्लू टिक हटा दिए हैं। ट्विटर का ब्लू टिक इंडिविजुअली अकाउंट को मिलता है। जिस व्यक्ति को ब्लू टिक मिलता है उसका अकाउंट ऑथेंटिकेट और वेरीफाइड है। यह अलग बात है कि अब ट्विटर ने ब्लू टिक को बेचना शुरू कर दिया है और दोस्तों इसकी कीमत अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रखी गई है। जिन लोगों ने ब्लू टिक प्लान के लिए पेमेंट नहीं किया था उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। दोस्तों, लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाने का एलन मास्क ने 12 अप्रैल को ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल से ब्लू टिक मार्क वेरीफाइड अकाउंट से हटा दिए जाएंगे। मास्क ने यह भी कहा था कि अगर ब्लू टिक चाहिए तो इसके लिए हर महीने भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, ट्विटर के नए रूल लागू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, सलमान खान, शाहरुख खान जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के ब्लू टिक हट गए हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। दोस्तों, एलन मास्क ने हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से ये भी जानकारी दी थी कि कब से कब आपका ब्लू टिक हट जाएगा। अगर आप भी एक ब्लू टिक ट्विटर यूज़र हैं तो आपको ब्लू टिक के लिए अब पैसे देने पड़ेंगे। एलन मास्क ने कहा था कि जो यूज़र्स पैसे नहीं देंगे उनके ब्लू टिक का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इसके चार्जेस कितने हैं। भारत में आईओएस के लिए ट्विटर ब्लू टिक की कीमत 900 रुपये मंथली है और वेब के लिए मंथली 650 रुपये हैं, जबकि आईओएस और एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक महीने के 900 रुपये और साल के 9400 रुपये होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल